नमस्ते प्रणाम सर। प्रणाम सर। हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आइसोक्वांट द्वारा दर्शाएं। पिछले क्लास में हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है लॉन्ग रन लॉज ऑफ रिटर्न्स रिटर्न्स टू ए स्केल, तो रिटर्न्स टू ए स्केल को हम लोग आइसोक्वांट से दिखलाए थे। रिटर्न्स टू स्केल को हम लोग किसके द्वारा दिखलाए थे? राजू कौन है? राहुल, रिटर्न्स टू स्केल को किस चीज दिखलाए थे हम लोग? आइसोक्वांट से, समुत्पाद वक्र से। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग किससे दिखलाए थे? तो टीपी एमपी एपी, सतत उत्पादन सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन। ये रीराइट सब किए हुए हैं ना आप लोग? यस सर। तो इसको चैप्टर को एंड करने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आइसोक्वांट के द्वारा दिखलाएंगे, ताकि जिस तरह से पूछा जाए आप लिख सकिए। क्लियर है बात? यस सर। प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ, बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, टीपी एमपी एपी के द्वारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को दर्शाइए। ये काम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अगर ये सवाल आया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आइसोक्वांट द्वारा दर्शाइए, तब कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसको देखिए। इस क्वेश्चन का नाम होगा कि समुत्पाद वक्र की सहायता से परिवर्तनशील अनुपात, परिवर्तनशील अनुपात नियम समुत्पाद वक्र की सहायता से परिवर्तनशील अनुपात नियम की व्याख्या
रुच पादव की सहायता से परिवर्तन फिर अनुपात नियम को दर्शाएं। समुत्पाद की सहायता से परिवर्तनशील अनुपात का जी सर बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि सम उत्पाद वक्रों को परिभाषित कीजिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। सम उत्पाद वक्र क्या बोली? सम उत्पाद वक्रों को परिभाषित कीजिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। हाँ तो सम उत्पाद वक्र का ना यहाँ कह रहे परिवर्तनशील अनुपात का नहीं, सम उत्पाद वक्र हम लोग नहीं ना पढ़े अलग से। नहीं सर अभी तक नहीं पढ़े। हाँ तो उसको अलग से पढ़ाएंगे तो उसका व्याख्या करेंगे। जी सर। समुत्पाद वक्र खींचने का तो तुमको पिछले क्लास में बताए। जी सर। इंडिफरेंस कर्व की तरह होता है। जी। तो परिवर्तनशील अनुपात नियम अल्पकालीन उत्पादन नियम है। अल्पकालीन उत्पादन नियम है। अल्पकाल में श्रम परिवर्तनशील अल्पकाल में श्रम परिवर्तनशील रहता है। जबकि पूंजी को स्थिर मानते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम परिवर्तनशील अनुपात का नियम में तीन स्टेजेज रहता है।
तीन एस्टर जरा पहला होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम दूसरा होता है उत्पत्ति ह्रास नियम और तीसरा होता है ऋणात्मक उत्पत्ति उत्पत्ति समता नियम नहीं होता है। उत्पत्ति समता नियम जो है क्लासिकल उत्पत्ति का नियम जो पढ़ाए थे उसमें बतलाए थे, उसमें भी तीन होता है, लेकिन उसमें तीन जो होता है वो पहला होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा उत्पत्ति समता नियम, तीसरा उत्पत्ति ह्रास। ये क्लासिकल हो गया। और आधुनिक इसका क्या होगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, उस नियम में क्या होगा, उत्पत्ति जो है पति वृद्धि नियम रहेगा, असमता नहीं रहेगा, उत्पत्ति ह्रास नियम रहेगा और तीसरा है ऋणात्मक उत्पत्ति नियम। तो ऋणात्मक उत्पत्ति नियम में कोई नहीं जाता है क्योंकि घाटा करके व्यापार करना कोई नहीं चाहता है, तो वो नो एंट्री रहता है, तो कोई नहीं जाता। लेकिन बहुत आदमी नो एंट्रियों में चल जाता है, फाइन लगे तो लगे लेकिन नो एंट्री में जाए। तो कहता है कि हम लोग को इसका पढ़ चुके हैं, केवल इसको आइसो क्वांट से हम लोग को दिखलाता है, ताकि अगर आइसो क्वांट कहेगा नेक्स्ट क्लास में आइसो क्वांट पढ़ा देंगे, वो जो वचन बोली का आया हुआ कमीशन में, आइसो क्वांट किसे कहते हैं और आइसो क्वांट क्या विशेषताएं। जी सर, 53 से 55 में पूछा है, समुत्पाद वक्रों को परिभाषित कीजिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए, इसके बाद उसी को करेंगे। हाँ, और एक दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादक के संतुलन को सम लागत रेखा तथा सम उत्पाद वक्रों की सहायता से समझाइए। दो क्वेश्चन दिए। हाँ, एक ही क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन उसको भी करेंगे। प्रोड्यूसर से तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इधर लेंगे मान लीजिए पूंजी, इधर लेंगे श्रम, तो इसमें क्या करेंगे कि पूंजी फिक्स्ड है, के जो है फिक्स्ड को बार से दिखाते हैं, के बार, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, बहुत लोग कंप्लीट किया है और भी लोग नहीं आ रहा है, भी अच्छा पोस्ट है, बीपीएससी में अच्छा सैलरी वाला पोस्ट। जी सर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है। वो ऑडिटर वाला आया है, वो पंचायत लेवल का है, क्या है पंचायत, ब्लॉक लेवल का है। ब्लॉक लेवल सब ऑडिटरे रखता है, ब्लॉक में पहले पोस्टिंग करता है, बाद में डिस्ट्रिक्ट में करता है, तो जिंदगी भर ब्लॉक ही भरा जाए।
तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों खींचे, के को फिक्स करने के, के मैक्सिमम कहां तक जाएगा, के बार फिक्स है। अब गौर से देखो इसमें बूंदा लगाएंगे, पहला बूंदा जो है यहां लेंगे, दूसरा बूंदा जो है इससे कम लेंगे, तीसरा बूंदा जो है इससे भी कम लेंगे, अब इससे इससे तुलना में ज्यादा पर बूंदा लेंगे, ज्यादा वाला अरे ज्यादा 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 कम कम आया है, कम ज्यादा और ज्यादा और इससे भी ज्यादा। ध्यान रहे कि थोड़ा चौड़ाई लेकर के बार पर एक डॉट लेंगे, फिर एक डिस्टेंस लेंगे, मान लीजिए इसको ए मानते हैं तो ए से बी पर चले जाएंगे, ए बी से छोटा कर देंगे सी, सी से बड़ा कर देंगे बी सी से बड़ा कर देंगे सी डी, सी डी से बड़ा होगा डी ई, और डी ई से बड़ा होगा ई एफ। यही ट्रिक आपको सिखाना था कि हर हाल में आपका जो यहाँ चित्र है ए बार ए ग्रेटर होगा और इससे छोटा हो जाएगा ए बी, इससे छोटा हो जाएगा बी सी, अब उलट जाएगा बी सी से बड़ा होगा सी डी, सी डी से बड़ा होगा डी ई, डी ई से बड़ा होगा ई एफ। यही ट्रिक करना है, पहला वाला जो है इंक्रीजिंग रिटर्न है और दूसरा जो उलट जाएगा तो हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न। इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान है, अगर कोई पढ़ा दे ठीक से और कंप्लीट पढ़े रहिए तो कोई रटने का जरूरत नहीं है, जो पूछेगा आप लिख लीजिए, घर में एक दो बार अभ्यास कर लीजिए, क्वेश्चन जो आया हुआ है बीपीएससी में उसी क्वेश्चन को उजला कागज पर प्रैक्टिस की। अब हम लोग इस पर बनाएंगे आइसोक्वांट। देखिए आइसोक्वांट क्या करेंगे कि यहां से लाएंगे ए से नीचे डाउन करके खींचेंगे या फिर उसको ऊपर खींचेंगे, तभी कंप्लीट सेफ हो गया।
तीन कलर इसलिए दिए हैं कि लाल वाला कलर जो है समझने के लिए दे रहे हैं, परीक्षा में आपको पेंसिल से बनाना है एक ही कलर होगा। बीपीएससी में रंगना जो है वो जुर्म है। रंगना क्या है? जुर्म। जुर्म है, नंबर कट जाएगा, बहुत लोग नहीं जानता है। लाल पीला से अगर लिखिएगा चित्र ना, तो उसको समझता है कि क्लू दिया है चोरी कर नंबर बढ़ाने के लिए। इतना कॉपी है, चित्र बना के दे देगा, कैसा नहीं चित्र बनाए होंगे। एग्जामिनर जो है पैमानी कर सकता है, ये वो क्या करेगा कि कालिक से पोछ देगा आपके चित्र, तो लाभ होगा कि हानि हो जाए? हानि हो जाएगा। 14 फरवरी मनाने हैं, पूरा मुंह में कालिक लगा। इसमें कभी भी चित्र नहीं बनाना है, न ही कॉपी के नीचे लाल पीला से अंडरलाइन करना है, जय माता दी नहीं लिखना है, सबको कालिक से वो काला रंग से मिटाता है। मिटाने के क्रम में मिटाने वाला तो चपरासी लेवल का आदमी होगा, तो थोड़ा चुहा देगा इंडिफरेंस कर पर, कॉपी एकदम गंदा हो जाता है। उसको कॉपी जो देखेगा उसके ऊपर भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जय माता दी, जय गुरुदेव, सब कुछ ना कुछ रहता है, जय मां भारती, कुछ सब आपको कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं लिख रहा। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में देखेंगे कि कॉपी के नीचे लिखे रहेगा कि बहुत मदर बीमार है, पढ़ नहीं सके हैं, कृपया करके पास कर दीजिए।
कभी कभी मैं उसके कॉपी में नोट भी रहता है, 50 रुपए का नोट या 100 रुपए का नोट भी करने। बिहार में ही किसी यूनिवर्सिटी का कॉपी आया हुआ था, उसमें देख रहे थे तो अचानक एक कॉपी में देखे कि लिखे हुआ चिट्ठी, चिट्ठी में लिखा है कि सर प्रणाम, अब तक आप इतना कॉपी देखे हैं सब में 80-90 दिए होंगे, क्योंकि यहाँ सब लोग जो है एक ही चीट से उतार रहा है और वो हिसाब बना के बाहर से भेजा गया है। मैं अकेला हूं जो कि चोरी नहीं कर रहा हूं, इसलिए हमें गलती होगी और हमको 80-90 आएगा नहीं। सच्चाई से आपको हम अवगत करा रहे हैं। लट के देखे पीछे के सब कॉपी में 80-90 दिए हुए थे, हर एक साथ। बड़ा हमको प्रॉब्लम लगा कि भाई लड़का कह रहा है क्या करें, जो अथॉरिटी है उससे पूछे कि भाई क्या करें, तो पूरा कॉपी आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। बोला कि वो लड़का के कहने से थोड़ी माना जाएगा, वहां का सुपरिटेंडेंट अगर लिखेगा कि चोरी हुई है तभी माना जाएगा। लड़का चिट्ठी लिख दिया कि सब चोरी कर रहा है तब मान लीजिएगा, और उसके बाद जो चिट्ठी लिखा था उसको मार्क्स दिए तो उसका कोई असर नहीं हुआ, जो लिखे थे उसके असर दिए थे, देखे कि उसको 55 नंबर आए। स्टैटिस्टिक्स का पेपर बाकी सबको 80-50। कॉपी में आपको उसका बचने का उपाय क्या है कि रफ कीजिए पेज, तो रफ वही करेगा जो बनाएगा। कैलकुलेटर से जब कीजिएगा 5 डिजिट दशमलव के बाद 5 डिजिट आ जाए, ऐसा कोई भी हाथ से बनाने में 5 डिजिट तक जाएगा नहीं जाएगा, बहुत होगा 3 डिजिट जाएगा, 3 तीसरा को राउंड अप कर देगा, 2 दशमलव के बाद 2 अंक लिखे। इस सब चीज से कॉपी पकड़ा जाता है कि लड़का पढ़े हुआ है, अपने किया है कि सब में आप डिस्पल के बाद 7-7 अंक दे रहे हैं, खूब खुश होगा कि बहुत बनाया है। 7 अंक तक ले निकालेगा तो टाइम भी तो लगेगा उसमें ना, कैलकुलेटर में डालिएगा दबाए कि आ गया उत्तर। कैलकुलेटर अलाउड अगर लिखा हुआ है, जैसे कॉमर्स में लिखा रहता है अलाउड, बीपीएससी में भी अलाउड है सर, बीपीएससी में अलाउड है सर, मेंस में कैलकुलेटर अलाउड है जी सर, मेंस में अलाउड है, जीएस पेपर में सर। अच्छा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपको पहला वाला को मानिए 100, दूसरा मानिए 200, तीसरा मानिए 300 इकाई, चौथा मानिए 400 इकाई, पांचवा मानिए 500 इकाई, ये हो गया 600 इकाई, ये हो गया 700 इकाई, ये हो गया 800 इकाई, ये हो गया 900 इकाई। गौर कीजिए कि सबसे मैक्सिमम कितना इसमें उत्पादन हो सकता है,
कैपिटल से ऊपर जो है वो औकात के बाहर। बेटी की शादी करनी है, बाप जो है अपने औकात के अनुसार वैसा घर में जाए। IAS IPS क्या नहीं जाए, कि वहां जाएगा तो बाहर में पांच गाड़ी लगी हुई है, वो आया हुआ है कोई मंत्री अपना बेटी का शादी कर। कंप्लीट किया नहीं कि उसके दरवाजे पर भीड़ लग। तो इसलिए कहता है कि कैपिटल का रेखा पहले खींच दी, यही आपका जो है मैक्सिमम पॉइंट है, जो आइसो पॉइंट वहां टच कर गया, उसके आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा। और उसके आगे अगर बढ़ेगा भी तो गौर से देखिए, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 600 से घट के क्या हो जाएगा, 500 घट के 400 हो जाए। तो कोई भी व्यक्ति उत्पादक जो होगा F के बाद E पर नहीं आना चाहेगा, H पर नहीं आना चाहेगा। आई पर नहीं आना चाहेगा, के पर नहीं आना चाहेगा, एल पर नहीं आना चाहेगा। यहां ध्यान से देखिए कि ए से बी पर चला जाएगा, बी से सी पर चला जाएगा, इसमें उसका कम लेबर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन जो है 100 से 200 हो जाएगा, 200 से 300 हो जाएगा। देखिए लेबर में उतना ज्यादा वृद्धि नहीं कर रहे हैं, लेबर में थोड़ी सी वृद्धि कर रहे हैं, कैपिटल तो फिक्स्ड है। तो ये जो है आपका ये डी पॉइंट जो है, ये सी पॉइंट, सी पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको यहां से ऐसे करके एक रेखा ले जाइए, इसको प्रिया क्या कहते हैं, डिग्री लाइन सर। तुम्हें एक दिन शायद क्लास से बोली थी दूसरा की रीज लाइन, तुम भूल जाते हो, लेकिन हमको चेहरा रहे नहीं रहे आवाज समझ जाते हैं कौन बोल रही। रीज लाइन बोलेंगे, रीज लाइन तुम बोली थी, आज जब प्रिया तो बोल रही हो क्या दूसरा। नहीं सर, वो हमको थोड़ा सा सीधा दिखा था इसलिए बोल रही। रीज लाइन कहते हैं, इसके ऊपर का सारा हिस्सा जो है नॉट ऑपरेटिव, वो कार्यशील नहीं होता है। उसके बाद दूसरा रीज लाइन,
अपर रिज लाइन एंड लोअर रिज लाइन, यही जो है ऑपरेटिव है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक लकीर खींचे ए बिंदु जो है, इसी बिंदु से एक लकीर अगर खींचेंगे यहां से यहां तक पीछे आ जाएगा, और यहाँ F से लकीर खींचेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो रिज लाइन के भीतर में जो आइसो क्वांट है वही आइसो क्वांट ऑपरेटिव है, बाकी सब जो है अलग है। जैसे है ना कि कटहल खरीद करके लाए, अब तुम था कह कि ना अब हम इसका पूरा यूटिलाइज करें, ऊपर वाला जो कांटेदार वाला जो है उसको भी निकाले बाहर, उसको बजाबते काट करके बेसन में लगा के पकौड़ी बना दी, गेस्ट आया खाया वाह बहुत टेस्टी है। तो ऊपर का छिलका में बहुत ज्यादा रहता है फेंकने, भीतर में एक बीच में लेढ़ाई सा रहता है, उसको सुखा दिए या उसको सब्जी बना दिए। कटहल का खोआ अगर होता है तो उसका बिया निकला, उसका कुछ मतलब हर चीज का उपयोग हो जाता है। वही हाल है कि जो मांसाहारी है वो खसी का मांस खाता है जनरली, आजकल तो चिकन लोग ज्यादा खाता है, लेकिन खसी का मांस खाता है। दुकान में जो खरीदने के लिए जाता है तो वहां पर खसी का सिर भी रहता है बिकता है, उसका पैर का टंगड़ी जो है वो भी रखता है बिकता है, और उस सब का बायर कोई आएगा कहेगा सिर है सिरे खरीद के ले जाए। कोई आदमी मान लो बीमार रहता है तो डॉक्टर कहता है कि खसी का गोली खिलाइए, मैंने पैर जो है तो पैरे पर खड़ा रहती है बड़ा तो उसको मतलब हर चीज उसका चमड़ा जो होता है वो आके लेदर इंडस्ट्री वाला ले जाता है। कितना उपयोग है, और आदमी को कहता है कि अपना आंख दान कर दीजिए, किडनी दान कर दीजिए मरने के समय में, तो लाठी लेके दौड़ जाएगा कि हमारा आदमी मरा हुआ है इनका आंख निकालना ना, सो कैश भी चाहिएगा तो पेट भी कर दे सकते हो, दे दीजिए किडनी दे दीजिए, कोई नहीं तैयार है। अब खांसी का हर पार्टे बेच लेता है, कहता है कि आपको सी बिंदु से जो लकीर गिरा वही हो गया आपको स्टेज वन, बी और एफ बिंदु के बीच में जो है वो हो जाएगा स्टेज टू, एफ के बाहर वाला हो जाएगा स्टेज थ्री। इसको कहा जाएगा ऋणात्मक ऋणात्मक उत्पत्ति नियम। तुम प्रिया कोई चीज का परीक्षा दी थी कि नहीं इस बार? जी दिए हैं। किस चीज का? ऑडिटर का और बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा का और ऑडिटर का। तो किस में निकली हो? दोनों में निकले। दरोगा में निकली हो? ऑडिटर का भी एग्जाम है। दरोगे बनो ना ऑडिटर से जाए दरोगा में। नहीं सर, इसका ग्रेड पे बढ़ा रहा है, 4600 ग्रेड पे कर रहा है ऑडिटर का। किसका? ऑडिटर वाला।
दरोगा को जीप मिलता है कि नहीं? मिलता है सर, लेकिन हमेशा नहीं मिलता। हमेशा नहीं, कभी तो चढ़े के लिए मिलेगा ना। हाँ, जब भी ड्यूटी करने जाएगा जीप से ही जाएगा। सिपाही से तो ऊपर हुआ ना दरोगा जी, 4200 ग्रेड पे का, 6th लेवल का है जो। और उसके बाद रुतबा रहेगा, डिस्काउंट दे देगा, कहीं भी जाओगे देखते हैं उसमें। सिंघम में उसकी वाइफ जो गई पैसा देने के लिए, तो मैनेजर कहा कि नहीं लेंगे पैसा। तो सब मूवी में होता है सर, रियल लाइफ में नहीं होता है। लेकिन है कि शांति का जीवन रहेगा ऑडिटर वाला। हाँ, आगे बीपीएससी के लिए सही को चेक करनी चाहिए। अगर गलती हुआ तो उसका गलती हुआ, आप पकड़ लिए उसको। फिर एटीट्यूड पर भी है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तीन स्टेज नजर आ रहा है जी सर। यस सर, वर्णन वही रहेगा। स्टेज 1 में उत्पादन बढ़ रहा है और श्रम का अनुपात कम रहेगा। स्टेज 1 में, स्टेज 2 में श्रम का अनुपात ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ता जाएगा। और एफ बिंदु पर मैक्सिमम प्रोडक्शन 600 आपको आ जाए। उसके बाद कोई भी उत्पादक स्टेज 3 में प्रवेश करना नहीं चाहे। कोई भी जो उत्पादक होगा वो स्टेज 1 में आएगा, तो स्टेज 1 को क्या कहेंगे? उत्पत्ति। वृद्धि, उत्पत्ति वृद्धि नियम। स्टेज 2 को कहेंगे उत्पत्ति परास नियम। स्टेज 3 को कहेंगे ऋणात्मक उत्पत्ति नियम। लैंग्वेज लिख लीजिए इस प्रकार, समुत्पाद वक्र के द्वारा परिवर्तनशील अनुपात के नियम को तुम्हारा क्या नाम है जी? नाम बोलो तो सर। प्रणाम, पांडव है। पांडव बोल रहा हूँ सर। प्रणाम, फिर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा। पांडव, पांडव जी, कौन है? महाभारत का? यस, नहीं सर। सर हमको पता नहीं चल रहा था, अभी भैया को फोन किया उसके बाद जुड़े, हमको जोड़ने के लिए नहीं हो रहा था। कहाँ घर है तुम्हारा? सहरसा।
सर 15 में पढ़े थे आपसे ग्रेजुएशन वाला। उस दिन रोड पर भेंट हुए थे, तुम भी भेंट हुए थे? जी जी जी, आप प्रखर को छोड़ने गए थे जी। तुमको क्या टाइम बताया ये? 4 PM। 4 PM जी। तो अभी तो 4 PM खत्म हो रहा है, 4 PM। सर हमको पता नहीं चल रहा था, हमको ज्वाइन करने नहीं आ रहा था। ज्वाइन करने का तरीका सीख लिए? जी सीख लिए। हाँ ठीक है, 4 PM जो है ना, ठीक 4 PM में घुसना है। ठीक है सर। वैसे तुम घुसे हो तो तुम्हारा ही क्लास सही। हाँ। है ना जी। कहीं नौकरी भी कर रहे हो? ना सर, कहाँ के, नहीं हुआ। कोई टीचर उचर वाला मैं नहीं दिए थे क्या? बीएड या नहीं किए? बीएड का फीस पटना यूनिवर्सिटी में बहुत कादू बढ़ा दिया, लाख में कर दिया कि क्या, अखबार में देखे। ऑडिटर वाले में क्वालिफाई किए हो? जी। कौन ऑडिटर? बीपीएससी का ऑडिटर जो भी आया एकदम। भाई तो ऑडिटर दो गो ना है, वो पंचायत ऑडिटर है, पंचायत अंक क्षण वाला है सर, वही है पंचायत ऑडिटर। जी। क्या सैलरी है इसका? पता नहीं है सर। 2800 ग्रेड पे है सर अभी। 2800 ग्रेड पे है जी, 38,000 मिलेगा। 2800 में बीए हुए मिला के कितना मिलेगा सर? सैलरी हैंड में 38,000 आएगा। अभी तो 38,000, हम लोग जब लेक्चरर बने थे बीपीएससी से तो 535 रुपए सैलरी। उस टाइम सर मुद्रा का वैल्यू भी तो बहुत ज्यादा था। उसका सैलरी था 400, तो हम लोग लेक्चरर में ज्वाइन किए कि उससे 535 था। अब बीपीएससी का जो डीएसपी का है, डिप्टी कलेक्टर का था 400। तो सर हमको सर क्लास कितना हो चुका होगा है ये वाला बैच में? अब इसी बैच में रखेंगे तुमको, शुरू से पढ़ावेंगे ना जी। तुम हमारे यहाँ थर्ड ईयर में पढ़े थे? यस सर। हाँ हाँ। तो यहाँ बहुत लड़की बैठी हुई है जो हमसे पढ़े हुई है ये, लेकिन वो भी फर्स्ट थ्योरी नहीं पढ़ी थी, स्टेट या कोई चीज पढ़ी। जी सर, हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़े थे सर, और एस्टेटिक्स पढ़े। वो जो चीज छूटा हुआ है उसको शुरू से बताएंगे, और जरूरत पड़ा तो तुमको अलग से भी बता के बैकअप करेंगे ताकि तुम समझने लायक हो जाओ। क्या स्थिति तुम्हारा है अभी हम नहीं जान रहे हैं, तो इसलिए क्लास में चित्र सूत्र सबके बारे में अलग से एक दो दिन ट्रेनिंग ले लो, समझ गए जी। और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो जीरो से ही पढ़ाएंगे, इसलिए समझने में दिक्कत नहीं होगी। अभी तो तुम बीच में घुस गए हो ना, आगे पीछे नहीं मालूम है, आज एंड हो रहा है चैप्टर, अगला चैप्टर शुरू होगा तो उसमें दिक्कत तुमको नहीं होगी। सर सर क्लास कितना घंटा होती है? क्लास जो है 4 बजे से 5 बजे रहेगा तुम्हारे, और उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी बता रहे, समझ गए जी। हिंदी मीडियम है ना? जी सर हिंदी मीडियम। हाँ हिंदी मीडियम का बताया, हो जाएगा, घबराने का नहीं है। बहुत ऑडिटर सबका आ रहा है फोन, समझता है कि कोई
पुड़िया है जो खिला देंगे हो जाए। सड़सठवीं के लिए भी हो जाएगा, सड़सठवीं बीपीएससी के लिए भी हो जाएगा कोर्स? क्या बोले, नहीं समझे सर? नेक्स्ट जो सड़सठवीं बीपीएससी है हाँ, उसके लिए भी पूरा हो जाएगा ये कोर्स? सब के लिए पूरा हो जाएगा भाई, हमारे यहाँ वो नहीं है कि एक एक को मैं, तुम इसका पढ़ोगे ना तो बीपीएससी, फिर कौन ऑडिटर है, वो और ऊपर लेवल का ऑडिटर है जी, एओ है, वो भी कवर हो जाएगा, बीपीएससी जो आता है वो भी कवर हो जाएगा। सिलेबस सेम है, बिहार ना है सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सिलेबस बदल देंगे तो बहुत दिक्कत होगी, लड़का पोस्ट अलग अलग है, सिलेबस एक ही रखे हुआ है। हम लोग का सुविधा का ख्याल किया जाता है सर। इसलिए कंपीट करना ही है, नहीं करने का कोई बातें नहीं, इसका तरीका है। अभी जो बोर्ड पर चित्र नजर आ रहा है जी, उसको कागज पर उतारो, हम यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे, तुम वहां पर अपना कॉपी पर लिखो, दोनों साथे साथे हो गए। पहला बारी पढ़ाई में तुम्हारा, पहले तो था कि सामने से सामने हम भी बैठते, तुम भी बैठते थे, तो अभी भी हम दोनों बैठे हैं, लेकिन कोरोना ना तुमको होगा ना हमको होगा, क्योंकि हम लोग फोटो में है, कोरोना में बंद कर दिए एकदम बंद, अभी नया रास्ता जो है यही ठीक है। तो कह रहा है कि कोरोना कम हो गया, अब फिर निकालता है कि बढ़ गया, तो तीसरी लहर तो चौथी लहर, जब तक ले दोबारा जनता खड़ा के रखे हुआ है, अरे मैरिज का रेट ईयर बढ़ा दिया, मैरिज ईयर बढ़ा दिया है ना जी सर, डेथ भी बढ़ा दिया, बताइए हम लोग जहाँ थे वहीं रह जाएंगे, मैरिज का रेट बढ़ा दिया, ईयर बढ़ा दिया, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट घटेगा, आ कोरोना आ गया, ये सब बैठा हुआ। आ इंजेक्शन जो है राहुल बोल रहा था कि 13 को इंजेक्शन लिया है, हमको बराबर चिट्ठी भेज रहा है कि मोबाइल में आता है कि आप तीसरा डोज ले लीजिए, बूस्टर डोज, वो डोज लिए हुए हैं, अब तीसरा कथा ले लीजिए ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, ले लीजिए सर, सही रहेगा, तबियत खराब नहीं होगा सर। वो तो 13 वो ले लिया है, उसका सिर दर्द भी छूट गया, सिर के भीतर में चीजें अब नहीं रहा होगा तो दर्द का। तो बहुत हाई लेवल का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये तो उतार लिए जी। यस सर। इसको कर रहे, तुम्हारा नाम क्या हुआ? पांडव। पांडव तो एक वो वर्ड पांडव है ना तुम्हारा, पांडव कुमार, अब यही सब ना, पूरा स्टूडेंट जो बैठा हुआ तुमने साथ में, इसलिए तुम अपना परिचय दो सब, पांडव करके डराओ नहीं, यहाँ पर कोई पार्टी के नहीं। मेरा नाम पांडव कुमार है, घर सहरसा जिला के सोनवर्षा प्रखंड से हूँ, घर पररिया है, थाना सोनवर्षा जिला सर, बिहार का रहने वाला, अभी मैं पटना में। और आपका क्वालिफिकेशन क्या है सो बताइए? क्वालिफिकेशन बीए ऑनर्स इकोनॉमी। मैट्रिक कहाँ से किए, कौन स्कूल से किए? मैट्रिक किया मोजीलाल भगत हाई स्कूल काशनगर। हाई स्कूल कहाँ का? काशनगर गांव में है सर, गांव में है, गांव में। इंटर किए मधेपुरा से। कहाँ से इंटर किए? मधेपुरा से, बीएस कॉलेज मधेपुर, मधेपुरा से।
बीए कहाँ से किए? मधेपुरे से, सहरसा कॉलेज मधेपुरा यूनिवर्सिटी, बीएनएमयू यूनिवर्सिटी। वहाँ इकोनॉमिक्स में कौन टीचर है? सहरसा में सर, श्रेयस मिश्रा करके सर। श्रेयस मिश्रा एमएलसी कॉलेज। एक ही वो टीचर था? नहीं सर, दो गो था। इच्छी तो उतार लिए? नहीं हो रहा है सर, समझ में। इतना भी नहीं खींचा पा रहा है, ये रेड रेड वाला है ना सर, वो नहीं हो रहा। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल से इसका फोटो खींच लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, तब ट्राई करोगे। जी सर, ले लिए। कल 4 बजे ज्वाइन करोगे, अभी क्लास ही हो गया है। सर ये लाइन पूरा कर देते। कल हम पढ़ावेंगे आइसोक्वांट, उसकी विशेषताएं, इस सबके दम क्वेश्चन आने वाला। सम उत्पाद वक्र किसे कहते हैं? सर एक क्वेश्चन था। हाँ। उत्पादन कार्य की सजातीयता को सब परिभाषित कीजिए। सजातीयता क्या होता है सर? उत्पादन के उत्पादन कार्य की सजातीयता को परिभाषित कीजिए। अंग्रेजी में नहीं है? जी है, डिफाइन होमोजेनिटी ऑफ ए प्रोडक्शन फंक्शन। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उसको करेंगे इसके बाद। इसी सब से रिलेटेड है। जी सर, जी सर, प्रोडक्शन से ही। ये पांडा हो जी, सीख लिए ना कैसे ऑनलाइन? अभी कौन सिखाया है? अभी भैया सिखाया है सर, फोन किए थे ग्रुप में। हाँ तो एक दो बार करके देख लो ठीक से हो रहा है कि नहीं, ऑफ करके फिर ज्वाइन करके हमको दिखाओ। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ज्वाइन करके दिखाओ तो ठीक। ये में पार्ट 3 में सहरसा से के पास।